नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने बीएस सिजवाली की और इंदु सिजवाली की ये बुक जिसका नाम है अ न्यू अप्रोच टू रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग इसमें आपको देखने को मिलती है। आज बात करते हैं ये किस किस चीज फील्ड में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। अरिहंत की पेशकश है और चेक करेंगे क्या वाकई इस बुक में इतना दम है जितना दावा किया जाता है ऑनलाइन रेटिंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस बुक का रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो प्राइस टैग की बात करो तो 625 रुपये इसका MRP है और लेस करने के बाद लगभग 450 लेकर 550 के बीच आपको देखने को मिलती है। अब बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो 1202 नंबर ऑफ पेजेस में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस बुक का रिव्यू, क्या खास है इस बुक में चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें इनसाइड द बुक आपको कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो वर्बल रीजनिंग की अगर बात करें इसमें आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल अल्फाबेट एंड नंबर सीक्वेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, डिसीजन मेकिंग, इनपुट आउटपुट पजल्स, डाटा सफिशियंसी, सेम नेम एंड एड्रेस। इसके बाद बात करें अगर नॉन वर्बल रीजनिंग की, इसमें आपको कंप्लीशन ऑफ सीरीज, एनालॉजी, इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स, क्यूब्स, डाइस, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, मिरर्ड इमेज, वाटर इमेज और डॉट सिचुएशन, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, फिगर मैट्रिक्स, इसका स्क्वायर कंप्लीशन। एनालिटिकल रीजनिंग में आपको स्टेटमेंट एंड अरेंजमेंट्स, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, कोर्स ऑफ एक्शन, पैसेज एंड कंक्लूजन्स, असर्शन एंड रीजन, कोज एंड इफेक्ट और लास्ट में आपको सिलोजी देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार का पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर बात करें सबसे पहले इसके अंदर एनालॉजी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले इस एनालॉजी है क्या इसके बारे में प्योर इंट्रोडक्शन, इसके बारे में सब कुछ बताया गया, इसमें फॉर्मूलाज, मेथड्स आपको इनिशियल स्टेज पर बताए जाते हैं। थोड़ा आगे चले तो आगे आपको यहाँ पर डॉक्टर हॉस्पिटल एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझाया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे एंटोनियम रिलेशनशिप कैसे होते हैं, सिनोनिम रिलेशनशिप किस टाइप के होते हैं, तो हर टाइप के रिलेशन के बारे में इसमें यहाँ पर बताया गया है। आगे चले तो शुरुआत में आपको सारा का सारा इंट्रो दे दिया जाएगा पूरे चैप्टर के बारे में। कोई स्टार्टिंग में ऐसे कि स्टार्टिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट हो गई हो, स्टार्टिंग में डिटेल वाइज चीज़ों को समझाया जाएगा, उसके बाद शुरू होती है आपके प्रैक्टिस वाला सिस्टम। यहाँ पर टाइप वन जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये इसमें खास बात और इसमें एग्जाम्पल के तुरंत आपको सोल्यूशन देखने को मिलता है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है। तो शुरुआत में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन, चार ऑप्शन, ठीक नीचे उसके आंसर। अगले पेज पर चलेंगे तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ से आप अपना कॉन्फिडेंस बनाना शुरू कीजिए, एक क्वेश्चन, उसके चार ऑप्शंस, आंसर नहीं है यहाँ पे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। विभिन्न जो प्रतियोगिता होते हैं, विभिन्न जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, जैसे SSC FCI 2012 से उठाया गया है। यहाँ पर आपको UPBED 2011 नहीं, जो हर एक जो एग्जाम है इसमें कवर किया गया है, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन से लिए गए हैं ताकि प्रीवियस ईयर PYQ भी आपके कवर होते रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है और किस सन में और किस एग्जाम में पूछे गए वो भी दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर आप बात करेंगे आंसर की, तो आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर रहा है। टाइप टू क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, फिर से चार ऑप्शन है, इनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो टॉपिक वाइज पहले एक टाइप, उसका एग्जाम्पल, फिर उसका प्रैक्टिस, फिर टाइप टू, उसके एग्जाम्पल विद आंसर और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस और उसके बाद उसके आंसर्स, फिर टाइप थ्री, उसके एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के साथ, फिर आपकी प्रैक्टिस कॉर्नर और फिर उसके बाद उनके आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। टाइप फोर, उसके एग्जाम्पल्स, उसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, उसके आंसर। टाइप फाइव, उसके आपके एग्जाम्पल्स, उसके प्रैक्टिस कॉर्नर्स और फिर उसके आंसर्स। टाइप सिक्स, इसी प्रकार टाइप सिक्स हो गया, टाइप सेवन हो गया, टाइप एट हो गया, और टाइप एट के बाद इसको और अच्छे से समझाया गया है चीज़ों को, बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम का भरपूर प्रयोग किया गया है, फ्लो चार्ट का भरपूर प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट टाइप दिए गए हैं, अलग फॉर्मेट किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बन सकते हैं। आगे चले तो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फिर से आपको देखने को मिलते हैं और इसके बाद इनके आंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
इसके बाद हमें टाइप 9 टाइप क्वेश्चन है, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3, 4 करके, फिर उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, फिर उसके रिस्पॉन्स है आपके। इसके बाद आपकी मास्टर एक्सरसाइज मिलते हैं। मास्टर एक्सरसाइज में आपको पूरे चैप्टर का कॉम्बो मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अंदर मिक्स कर दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, और यहाँ से आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वे भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि आपको PYQ के लिए अलग से मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े, आपका यहीं से ही सब कुछ कवर हो जाए। और यहाँ पर इनके आंसर्स दिए गए हैं, यहाँ से आप आंसर मैच कर सकते हो, और यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो सीधा सीधा सा जो चैप्टर का पैटर्न है वो ये है, पहले चैप्टर है एक टाइप का, पहले एक टाइप का पूरा फॉर्मूला मतलब स्टेप्स आएंगे, फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आएंगे, इसे आप समझेंगे सॉल्यूशन के साथ, फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज आएगी, और फिर उसके बाद उसके आंसर्स आएंगे। यही पैटर्न बार बार चलता रहेगा, और जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद एक मास्टर एक्सरसाइज आएगी, जो पूरे चैप्टर का आपको अच्छे से रिविजन करा दिया जाएगा। जैसे इतने अधिक पेज इसके अंदर दिए गए हैं, तो पहली बात इतने ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस की बुक और इतने सस्ते दाम पर आपको नहीं मिलेगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये सब कुछ कवर कर दिया गया है, हर टाइप की रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें कवर कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसे पढ़ने के बाद आपको कोई और बुक पढ़ने की आवश्यकता महसूस होगी, तो इसको मैं रिकमेंडेड जरूर करूंगा, आप इस बुक को जरूर पढ़ें। आर्स अग्रवाल की जो ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाली बुक है, उससे बेहतर बुक इसको मानता हूं मैं, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर कर दिया गया है। उसमें क्वेश्चंस तो है, अच्छे खासे क्वेश्चंस भी है, लेकिन उनमें कुछ अपडेशन नहीं हुआ है। इसमें आज के टाइम में जो चेंजेस आए हैं क्वेश्चन में, वे सब इसमें अपडेट कर दिए जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे शानदार बुक है, सबसे अच्छी बुक है। अगर इसका रेटेड पर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं, तो मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। 5 में से 5 रेटिंग की आधार पुस्तक है, शानदार बुक है। रीजनिंग में आपका आपको जो है ना, आपकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन एक लास्ट में एक प्लस बोनस पॉइंट आपको ये बताता हूं कि कभी भी रीजनिंग किसी बुक से या किसी वीडियो से नहीं समझी जा सकती। रीजनिंग आपके अंदर का टैलेंट होता है कि आप चीजों को कितने बखूबी निकाल रहे हो। मैंने 1 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, और फिर 5 लिख दिया, फिर डैश डैश कर दिया। आपको समझ आना चाहिए कि इसके अंदर एक एक संख्या छुटी हुई है, 2 छोड़ दी, 4 छोड़ दी, और अगली संख्या ये आने वाली है। आने वाला जो पद है वो क्या होगा, आने वाली जो टर्म है वो क्या होगी, अगर वो आप निकाल पा रहे हो तो आपकी रीजनिंग बेस्ट है। आपको बस थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ा सा फॉर्मूला, थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक की इन बुक से आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज ओवरऑल सब कुछ आप कर लोगे। तो ये था ए न्यू अप्रोच टू रीजनिंग बाई BS सिजवाली एंड इंदु सिजवाली बाई अरिहंत, बुक का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।